अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट टीचर सैलरी। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट टीचर की एवरेज सैलरी $60 है, और फिर पूछा जा रहा है एक क्लेम में, क्लेम कर रहे हैं कि $60 से कम हो सकती है। क्लेम हमारा, मैं लिख देता हूँ, क्लेम हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। क्लेम स्टेप नंबर टू में अल्फा की वैल्यू 0.10, यहाँ पर हम लोगों ने टू से डिवाइड नहीं किया है 0.10। ले पिछले क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया था, अब मैं बता रहा हूँ कि सैंपल साइज हमारे पास चूँकि क्या है 8 है, तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 लेते हैं, यानी अगर 8 है 8 माइनस 1 7 हो गया। टी टेबल में हम 0.10 के कॉलम में 7 नंबर पर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास -1.415 आ रही है। स्टेप नंबर थ्री में एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार को हम लोगों ने डेटा से कैलकुलेट करना है, डेटा का मीन मालूम करना है, 58.88 आ जाएगा, और एस जो है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी मालूम करना है डेटा से कैलकुलेटर की मदद से, अब 5.08 आ जाएगा। जब सब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास टी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी -0.624। अच्छा, ये दो माइनस जो है आपने मैथमेटिक्स वाले माइनस नहीं लेने, जिस तरह एक ये माइनस है एक ये माइनस है, ये मैथमेटिक्स का माइनस नहीं है, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड। अब आप माइनस को भूल जाएं, अब वैल्यू देखिए कौन सी वैल्यू बढ़ी है, टेबुलेटेड वैल्यू बढ़ी है कैलकुलेटेड वैल्यू से, सही है। वैसे मैंने वहाँ पर मॉड्यूलस में भी शो किया है, टेबुलेटेड का मॉड्यूलस बड़ा है कैलकुलेटेड के मॉड्यूलस से, या इसलिए हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। कर्व में भी देखा जा सकता है कि जो टेबुलेटेड वैल्यू है उसको -1.415 पर मार्क किया हुआ है, जबकि कैलकुलेटेड वैल्यू को -0.624 पर मार्क किया हुआ है। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर है, तो इसलिए हम लोग इसको एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। जब एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब है हम लोग क्लेम को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं।